नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम आ चुके हैं पशुपतिनाथ, जो कि वाराणसी ज़िले में ललिता घाट के पास पड़ता है। तो हम आपको जो नेपाल में मंदिर है पशुपतिनाथ, वही मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में पड़ता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ का लकड़ी के मंदिर, जो कि सारा कुछ लकड़ी, यहाँ तक जो जल का अर्घा गिरता है बाहर, वो भी लकड़ी का बना हुआ है, शिव जी का वास है। और अगर हम जगह की बात करें तो ये ललिता घाट, जो कि वाराणसी में पड़ता है। और मैं आपको कुछ फिगर दिखाने वाला हूँ, जो कि वाराणसी ज़िले में मानचित्र द्वारा स्थित है, कि ये यहीं पर मंदिर है। काशी विश्वनाथ जी का द्वार गेट है एक नंबर, उसके बगल में है। अब इस समय कुछ ज़्यादा वायरल हो रहा है पशुपतिनाथ, उसके पहले कोई जानता नहीं था। लेकिन अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर मेरे आप चैनल पर नए हैं, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया है ताकि आप लोग भूले ना। अगर आप मनगंगा घाट आते हैं तो गंगा द्वार है बाबा काशी विश्वनाथ का, और आप देख सकते हैं ये ललिता घाट है, इसी के सामने ठीक पशुपतिनाथ है। और अगर हम बात करें इस मंदिर को किसने बनवाया, तो राणा बहादुर शाह, जो कि नेपाल के राजा थे, किंग ऑफ नेपाल बोला जाता है। और इस मंदिर 1846 से 43 ईस्वी में बना है। अगर हम मंदिर की ऊंचाई की बात करते हैं तो ये 78.161 मीटर का है, और अगर हम स्क्वायर फीट में बात करते हैं 256। और आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप कुछ मंदिर के लिए चढ़ावा देना चाहते हैं दे सकते हैं, ट्रस्ट को कुछ देना चाहते हैं दे सकते हैं। और यहाँ मंदिर के चार कपाट बने हुए हैं, चारों कपाट आप देख सकते हैं, नंदी जी बाहर है और ये पीछे का कपाट है। यहाँ पर एकदम सेम नेपाल का टू कॉपी बनाया गया है, क्योंकि वहाँ के राजा बनवाए थे, इसीलिए यहाँ का सेम टू कॉपी बनाया गया है। और यहाँ को लकड़ी जो है हर 6-6 महीने साल सर्वे पर रिपेयरिंग होती है। और आप देख सकते हैं अंदर पूजा उजा हो रहा है, क्योंकि चारों तरफ से चौखट है, तो आपको अंदर ढाक के जाना पड़ेगा। और यहाँ के जो पुजारी होते हैं, और देख रहे हैं पूरा सब कुछ लकड़ी का है, बारीकी से डिजाइन किया गया है। और यहाँ के जो पुजारी पंडित लोग हैं, वह नेपाल के ही हैं, और यहाँ का सारा खर्चा नेपाल सरकार देखती है। तो जैसा आप देख रहे हैं, मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया पशुपतिनाथ मंदिर का, और काफ़ी अच्छा फिनिशिंग किया है आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हरदम मरम्मत होता है। तो अगर आप आते हैं मनकनका घाट या बाबा काशी विश्वनाथ, तो ठीक बगल में ही है, और मनकनका घाट के बगल में ही ललिता घाट है, जो कि बहुत लोग दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं मनकनका घाट और ललिता घाट घुमाते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, कमेंट जरूर बताइएगा। ऐतिहासिक श्री पशुपतिनाथ मंदिर जो कि नेपाल में है, वो यहीं पे बना है। और आप देख रहे हैं गंगा घाट, ललित घाट है, जो आप सामने देख रहे हैं टेंट सिटी बना हुआ है। और तो आइए हम चलते हैं, आपको गंगा घाट कुछ घुमाते हैं। सामने गंगेश्वर महादेव, तो आइए हम अंदर चलते हैं, आपको अंदर का महादेव का भी दर्शन कराते हैं। मेरे इस वीडियो में बने रहिए, और नया तो लाइक जरूर करिए। हम घूमते घूमते आ गए हैं ललिता घाट, भैरव घाट। अब हम चल रहे हैं गंगा जी, थोड़ा सा पानी निकले, बहुत प्यास लगा, तो गुरु खाम हो गए हैं थोड़ा। चुंडिया देखा अपन, चलो चलो ये पहले ये। कैसे पंडित हुए टीका लगा के लोग 7-8 सौ पर उसमें कमा लेते हैं। क्या बोला तूने? तो कमाई भैया पैसा ही पैसा, 3000 रुपये महीना। अब चलो तू, हम वो आवत थी गुरु यहाँ टीका लगाई पल्ली से घाटे बैठ के, मस्त प्लान है। लाइक करा, बहुत टीका लगा के अब हमारे पैसा खूब कमा, माला माल हो जाएगी गुरु।